क्यों मुझे मिलना है ना आपसे, बात करनी है ना आपसे। क्यों नहीं मिलने, वजह तो बताओगे? मुझे नहीं मिलना आपसे। क्या वजह होगी, क्या गलती होगी? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है कोई। क्यों नहीं, कोई रीजन तो होगा ना उसका? मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे कोई रीजन होगा ना, यहाँ पे पढ़ने आती हूँ। पढ़ने आते जब मैं कॉल करता हूँ कॉल उठाते हो, बात करते हो मेरे को? मुझे नहीं बात करनी आपसे। क्यों नहीं करनी, रीजन बताओ ना। कोचिंग के बाद रोज आ जाते हो? नहीं, इससे पहले तो आप बात करते हो, उस टाइम तो नहीं बताया। बट उस टाइम मुझे बात करनी थी, अब नहीं करनी। अच्छा, जब इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट नहीं? अब क्या दिक्कत आ गई? नहीं बात करनी। अब क्या हो गया ऐसा जो इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मुझे नहीं बात करनी। अभी मैं पढ़ाई करने आता हूं, तुमसे मिलने नहीं आती और ना ही तुमसे बात करने आती। अरे तो मुझे अलग से साइड में मिलो ना, आपको जरूरी है पढ़ाई करने टाइम मिलना। मुझे मिलना है ना। बट मुझे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? मुझे नहीं मिलना, मैं पढ़ाई करने आती हूं, यहां पे स्यापा नहीं डालने आती हूं। आप यहां पे पढ़ाई करो, उससे पहले क्या करते हो? बात करते हो? हां, आपको क्या लेना देना है? हाँ भाई बताओ, निकलो ना यार, साइड हो। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ, चला जाऊंगा भाई। मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे क्या लेना देना यार, जा निकल ना भाई, उससे क्या मतलब तुम्हारा? तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करना ऐसा, निकलो ना। नहीं वो तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? यूं ही नहीं जाओगे? क्या लफंगो की तरह बोल रहे हो, जाओ जाओ। अरे लफंगो क्या, उससे मेरा पर्सनल मैटर है, उससे तुम्हें क्या लेना देना यार? पर्सनल मैटर है, कोचिंग के बाहर तुम नहीं आ सकते हो। कोचिंग के बाहर तो कौन से, मैं मारपीटी कर रहा हूँ, मिल ही तो रहा हूँ, बात ही तो कर रहा हूँ खाली। जब वो मिलना ही नहीं चाहती है तो क्यों आप परेशान हो? क्यों नहीं मिलना चाहते हो, मेरा पर्सनल मैटर है ना, तुम कौन हो तो बीच में? नाम क्या है तुम्हारा? मंजीत सिंह। अगर मंजीत आपसे नहीं मिलना चाहती तो आप कोचिंग के बाहर नहीं आ सकते हो? मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं कहीं भी मिल सकता हूँ। तो क्या मतलब आपको? मतलब है ना, आप कोचिंग के बाहर नहीं मिलोगे? कहीं भी मिल सकता हूँ बाबूजी मैं, आपको क्या मतलब उससे बताओ ना। आप कौन होते बीच में इंटरफेयर करने वाले? मेरा तुमसे नहीं मिलना चाहते, मुझे कोई बात नहीं करना। मुझे बात करनी ना मैडम, इससे पहले आप क्यों बात करते थे मेरे से, ये बताओ ना। रोज कोचिंग के आगे बाहर खड़े हो जाते हो, ड्रामा करते हो, दूसरे लोग क्या सोचते होंगे? मैं तो आपको बोलता हूँ ना, साइड में बात करते हैं ना हम लोग, को जरूरी कोचिंग के आगे करना। मेरी फैमिली इश्यूज हैं, बहुत कुछ है, बट मुझे आज से पहले कोई एक्सक्यूज नहीं थे आपकी फैमिली के, कोई एक्सक्यूज नहीं थे? उस टाइम मैंने आपको बताया नहीं था, बट इस टाइम मेरे को आपसे बात नहीं। मैडम देखो, आप कोचिंग से बाहर जाओ पहले, यहाँ पर आकर के आप ड्रामा नहीं कर सकते हो। सर आपकी कोई वो नहीं हो रही, तो मेरी मेरी गर्लफ्रेंड की बात चल रही है, आपको नहीं, आप जा सकते हो। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात ही नहीं करना चाहती तो क्यों आ रहे हो? करना नहीं चाहती, इससे पहले क्यों करती थी ये बताओ ना। इससे पहले सब चीज़ हो रहा था, आप क्यों नहीं हो रहा यार, ये तो बताओ ना। ये तो बताएगी कि नया बॉयफ्रेंड मिल गया, कोई चीज़ है, वो ये चीज़ें होती है ना, बात प्यार से कर सकती है ना। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ठीक है? मैं करूंगा यार, मेरा हक है तुम पे। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी ये तो बताओ ना। मुझे करनी है ना आपसे बात यार, प्यार से बात करो मेरे से। नहीं करनी मुझे। हेलो, आप जा सकते हो। मुझे नहीं करनी कोई बात। क्यों नहीं करनी ये तो बताओ ना। आप हमको इस तरीके से बोल नहीं सकते हो। सर आप जाओ, मेरा पर्सनल मैटर, आप बीच में मत आओ। आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं आओगे। मैं आऊंगा, मैं डेली आऊंगा। मुझे बात करनी ना यार, मुझे बात करनी ना उससे, क्या मतलब मुझे बात करनी, मुझे बात करनी ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इससे पहले क्यों इंटरेस्ट था ये बताओ ना। मुझे नहीं बात, इससे पहले आपको इंटरेस्ट अब क्यों नहीं है ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं बात करनी, मुझे बताना पड़ेगा ना आपको। मैं कोचिंग के बाद देख लूंगा ना, कैसे बात नहीं करते तुम मेरे से, क्यों इंटरेस्ट नहीं? नहीं करूंगी बात, मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक मिनट, आप कोचिंग के बाहर क्या देख लोगे? आ रहे हो बीच में, आप कोचिंग के बाहर क्या देख लो? क्यों आ रहे हो, आपको किसी ने बुलाया यहाँ पे? आप कोचिंग के बाहर क्या देख लोगे? कुछ भी देख लूं, उससे क्या आपका मतलब है ये बताओ मेरे को ना। आपको कोई लेना देना इससे, ये आपकी जानने वाली है, रिलेशन में गर्लफ्रेंड आपकी, मेरी है ना, आपको क्या मतलब? कोचिंग के बाहर क्या देखोगे मुझे बताओ? कुछ भी देख लो भाई, उससे क्या मतलब? तुम कुछ नहीं कर पाओगे यार। अरे मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मैं ले जाऊंगा सब। कुछ नहीं कर पाओगे, टच करके दिखाओ ना। अरे भाई तुम्हें क्या दिक्कत, मैं ले जाऊँ। प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम बताओ? ये कोचिंग का ओनर मैं हूँ। कोचिंग ओनर आप? हाँ। अंदर आपकी कोचिंग चल रही, बाहर आपका, बाहर भी मेरी, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हो, तमाशा कर रहे हो तुम यार। क्या कर रहा हूँ यार, तमाशा ही करवा रही ना मेरे से। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी मैडम, बात क्यों नहीं करनी, आप बताओ ना। आप यहाँ से अभी जाओ। नहीं, साथ में लेके जाऊंगा मैं। क्यों जाऊंगी मैं, साथ में चलोगी? दूसरी तरह से समझाओ आपको यार, चलोगे दूसरी तरह से समझाओ आपको? तुम चलो भाई, साइड हो जाओ यार, तुम फालतू में बीच में आ रहे हो यहाँ पे यार। प्यार चलोगे दूसरी तरह से समझाओ तुम्हें? तुम दूसरे तरीके से क्या समझाओगे बताओ ना भाई। मैं कुछ भी समझाओ यार, उसके बाद मैं मेरी अटैक है ना। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना ये तो बताओ ना भैया, मुझे बता दो, उसके बाद छोड़ दो। एक काम करो, कोचिंग से बाहर जाओ। भाई मैं कोचिंग से बाहर ही हूँ, रोड पे हूँ, उससे आपका कोई लेना देना? तुम तमाशा करोगे यहाँ पे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अंदर का आपका हो, बाहर का आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर मेरा मैटर है, मैं जमा लू उससे क्या मतलब? बेटा लफंगों की तरह घूमने से ना, लफंगा कुछ भी हो मेरा पर्सनल मैटर है यार, मेरी पर्सनल मैटर यहाँ पे क्यों कर रहे हो ना? ये मेरी मर्जी, मैं रोड पे कर रहा हूँ ना, मैं मारपीटी नहीं कर रहा हूँ ना, बात ही तो कर रहा हूँ, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप नहीं समझोगे तो मारपीटी करूंगा, पकड़ के ले जाऊंगा जबरदस्ती। नहीं वो तो नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? अरे मेरी जी अब जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी? तुम्हें भी देख लूंगा, तुम कौन होते हो यार, तुम्हारे कोई मैटर ही नहीं उससे। तुम इन्हें हाथ तक लगा नहीं सकते हो, ये कोचिंग मेरी है, यहाँ जो मैं बोलूंगा वो होगा। तमाशा बना दियो, यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ पर तमाशा बना रहे हो।
मैं इनको अभी रिस्टिकेट कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, मतलब नहीं रहना चाहती, दैट्स इट, खत्म। क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हो यार किसी से? इनकी लाइफ है ना, आप कौन तो डिसीजन लेने वाले? एग्रीमेंट थोड़ी करवा लिया आपने। अभी आपको अंदर बैठाऊंगा और उसके बाद फिर आप माफी मांगते फिरोगे? मैं बोला चुपचाप यहां से निकल जाओ, पागल बना दियो यार, सारा प्यार का भूत उतर जाएगा आपका। मेरा 3 महीने का रिलेशन था, इससे 3 महीने से मैं अच्छे वाले बात कर रहे हैं, सब चीज चल रहा है, अब क्या इंटरेस्ट नहीं आ रहा? जो 3 महीने का रिलेशन है पिछवाड़े पे पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। जो नहीं मतलब मैंने का रिलेशनशिप है मेरे इनके साथ, तो 3 महीने का रिलेशनशिप है ना, तो पिछवाड़े पे पड़ेगा तो अकल यहाँ आ जाएगी, जो अभी घुटने में है। अभी अंदर बैठाऊंगा तुमको, अभी समझा रहा हूँ, फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। तुम लड़की को धमकाते हो, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, मैं बोल रहा हूँ खत्म। वो मेरी स्टूडेंट हैं, वो मेरी स्टूडेंट हैं। नाम क्या है आपका? कौन सी बैच में हो तुम? 2 बजे थर्ड बैच में। आप पढ़ने आते हो कि यहाँ करने आते हो? मैं तो पढ़ने आती हूँ, ये मेरा दिमाग खा चुका है, मैंने इसको बोल दिया कितनी बारी, मेरे पीछे मत आएगा मेरे से बात। आप यहाँ पर क्यों बुलाते हो किसी को? मैंने बुलाया नहीं है, ये रोज पीछा करता है, रोज मेरे पीछे आ जाता है। बाल में उंगली फेरने से ना KGF नहीं बन जाओगे। अभी तुम डिसीजन लो, जाना है कि अंदर बैठवाऊं तुमको? अंदर बैठाऊंगा ना तो फिर मैं दूसरे तरीके से तुमको समझाऊंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं मैं। पागल बना रहे हो यार तुम, बैठाऊं अंदर आपको? बोलो, अंदर बैठाऊं आपको? वहां पे देखो कैमरा लगा है और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, डिलीट मार दो से, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। आपसे पूछ के रिकॉर्ड करूंगा क्या? तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते मंजीत, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। आप ऐसे रिकॉर्डिंग कर, नहीं मैं करूंगा, जो कर सकते हो कर लो। लाइव आप कैसे रिकॉर्डिंग कर दोगे? इसे डिलीट करो। तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, नहीं करता डिलीट, जो करना है कर लो ना। मुझसे कहां मिलना चाहते हो? कोचिंग मिलूं, कोचिंग के बाहर मिलूं? क्यों क्रिएट कर रहे हो तमाशा? क्यों क्रिएट कर रहे हो बताओ? मैं नहीं करता, जो तुम मेरा कर सकते हो कर लो, मैं यहीं खड़ा हूं। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, आप पढ़ने आते हो कि ये सब करने आते हो? आपकी जब पढ़ाई की एज होती है तब तो आप सिस्टम के साथ सेट रहते हो और तमाशा क्रिएट करते हो। मैं तुमको बोल रहा हूं सुधर जाओ, वरना दूसरे तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है। मजाक बना दियो यार, चलो जाओ, आप तमाशा बना दियो। अरे पढ़ लिख लो यार, का भूत उतर जाता है। जब समय की लाठी पड़ती है ना, पावरफुल होती है, अंदर तक खिला देती है। सॉरी बोलो और निकलो यहां से। आज के बाद इनके आसपास में तुम नहीं दिखाई दोगे, नहीं दिखाई दोगे ना? आप नहीं रहना चाहते इनके साथ ना?